इस महान बल्लेबाज ने कहा, टेस्ट में भी कराओ, रोहित से ओपनिंग मिलेगा जबरदस्त फायदा। नमस्कार। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 श्रीलंका जीतने के बाद अब भारत टीम ने वनडे में भी शानदार शुरुआत की है। पहला वनडे रद्द होने के बाद दूसरा वनडे में टीम ने शानदार प्रदर्शन कर बढ़त हासिल कर लिया है और अब अंतिम मुकाबले को भी जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा बना चुकी है। तीसरे मुकाबले में भी हल्की बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को शाम 7 बजे भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला बोर टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी और वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज इस मैच को अपने नाम कर सीरीज बराबरी पर समाप्त करने के इरादे से उतरेगी। वनडे श्रीलंका के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैच की टेस्ट श्रृंखला खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 22 अगस्त से नॉर्थ साउथ एंटीगुआ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए BCCI ने पहले ही टीम का चयन कर लिया है। टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। इधर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को रोहित शर्मा पर अधिक भरोसा दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को टेस्ट में भी ओपनिंग का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित को यदि टेस्ट में ओपनिंग करवाया जाए तो टीम को काफी फायदा मिलेगा। एक ऐसे ओपनर को आप सातवें नंबर पर नहीं खिला सकते, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।